बाबू देखिए, भोजपुरी में हर किस्म की फिल्में आई हैं, रोमांटिक फिल्में और एक्शन फिल्में, बहुत सुंदर सुंदर गानों वाली फिल्में और पारिवारिक फिल्में, लेकिन हॉरर में फिलहाल अभी तक भोजपुरी में कोई फिल्म नहीं आई है। तो इस मामले में ये सबसे पहली फिल्म होगी और वहाँ के दर्शकों को कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि हमारे हिंदी सिनेमा में तो देखते ही हैं, हमारे जो आंचलिक भाषा की सिनेमा भोजपुरी में शायद पहली हॉरर यानी कि डरावनी फिल्म है ये। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? इस फिल्म में मेरा किरदार, मैंने हीरोइन का रोल किया है और हीरोइन में एक ऐसी लड़की कि जिसके पीछे भूत पड़ता है और कैसे, और समझ में नहीं आता उसके पीछे क्या चीज़ है, क्या आत्मा है, क्या है, और धीरे धीरे करके पता चलता है कि किसकी भटकती आत्मा इसके पीछे पड़ी है। आपके अपोजिट कौन है? जी मेरे अपोजिट में सत्येंद्र हैं, सत्येंद्र जी, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं तो वो कर रहे हैं। इस फिल्म को कहाँ कहाँ फिल्माया जाएगा? इस फिल्म को हम लोग छत्तीसगढ़ में फिल्माएंगे और छत्तीसगढ़ की बहुत अजीम व गरीब एक शख्सियत हैं, मैं इस वक्त उनका नाम लेना इसलिए नहीं चाहूँगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रहेगा कि इतनी बड़ी हस्ती जो कभी फिल्मों में आने से मना करती थी वो इस फिल्म में है। सबसे खासियत इस फिल्म की ये है और उनके साथ सत्येंद्र जी हैं, मार्केट के काफ़ी आर्टिस्ट हैं, तो ये अलग किस्म की बहुत खूबसूरत सी फिल्म है। इस फिल्म में गिरीश जी ने उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, गिरीश जी कोई तारुफ या इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सभी दर्शक लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो गिरीश जी इस फिल्म में, पूरी कहानी तो मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि दर्शकों के पास फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना कि चलो फिल्म देखते हैं क्या है इस फिल्म में। तो गिरीश जी एक एज यूजुअल जैसे कि वो खलनायक की भूमिका करते हैं, तो इसमें भी खलनायक यानी कि भूत, तो भूत ही है तो, लेकिन अलग तरीके से वो पर्दे में हमारे आए हैं, वैसे नहीं कि नॉर्मल भूत बनके। आपने कभी गिरीश जी के साथ पहले भी कर चुकी हैं? नहीं, मेरी ये फिल्म गिरीश जी के साथ पहली होगी, बाकी काफ़ी कलाकारों के साथ मैंने फिल्में की हैं, तो गिरीश जी के साथ मेरी ये पहली फिल्म होगी और मुझे खुशी है कि मैं एक नए और अलग किस्म के अदाकारा के साथ काम करूँगी। आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, जो भी हम लोग फिल्म करते हैं हमें उम्मीदें बहुत होती हैं। वैसे इसकी खासियत मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये अलग किस्म की फिल्म है, हॉरर फिल्म यानी कि डरावनी फिल्म, तो ये खौफनाक फिल्म दर्शकों को डराने में कामयाब रहेगी, तो शायद शायद कि मुझे पूरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस फिल्म से। आपने अगर